हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीड्स बिट्स। आज हम मैंगो सागो पुडिंग बनाएंगे। ये समर स्पेशल रेसिपी है और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सभी तासीर में ठंडे हैं, तो समर में ये लेना ही चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप ऐसे छोटे साबूदाना मैंने लिए हैं, जिसको सागो भी बोलते हैं, उसे मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल करके हम उसे छान लेंगे। ऐसा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें उसे बॉईल करना है, और बॉईल करें इससे पहले उसे धो लेना चाहिए। तो ये हमारा बॉईल करके तैयार है। 1.5 टेबल स्पून मैं कस्टर्ड पाउडर लूँगी और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये घोल बनाकर साइड में रख देंगे। 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है, उसे मैं गरम करने के लिए रख दूंगी। जब दूध गरम हो जाए फिर उसमें 1/3 कप शुगर डालेंगे, यानी चीनी। चीनी जब अच्छे से घुल जाए तब हमने जो कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाया था वो इसमें डाल देंगे और चलाते रहेंगे, कंटिन्यू चलाते रहे ताकि उसमें गट्ठे न पड़े। फिर हमने 1/4 कप ओट्स इसमें डाल देंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। ओट्स जब पक जाए फिर उसमें जो हमने बॉईल करके साबूदाना रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें उसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि साबूदाना पका हुआ है। अब उसे ठंडा करने के लिए एक पैन में निकाल लेंगे और ऊपर से काजू बादाम और किशमिश डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जब ठंडा हो जाए फिर हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें 1 कप कटा हुआ आम डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी और थिक बना है। ऊपर से आम के टुकड़े डालकर सजाएंगे और थोड़ा सा काजू बादाम और किशमिश भी ऊपर से डालेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा समर ड्रिंक तैयार है। मैंगो साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी है ये, इसे पुडिंग भी बोलते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में उतना ही टेस्टी। इसे हम एक ग्लास में सर्व कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा मैंगो सागो पुडिंग तैयार है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइए और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।